बचपन से ही हम सभी न्यूक्लियर वेपन की विनाशकारी शक्तियों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे जापान में हुए न्यूक्लियर अटैक ने 1939 में हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एक झटके में ख़त्म कर दिया, और कैसे जो अमेरिका ने उस पर न्यूक्लियर अटैक किया था उसके बाद जापान किस तरह बर्बाद हो गया था और वो किस तरह अपने घुटनों पर आके खड़ा हो गया था। इस समय रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसके बाद से थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं, और इसके साथ एक और संभावनाएं बढ़ गई हैं। हो सकता है कि इस थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर ये होता है तो इसके अंदर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो जाए, और अगर वाकई में ऐसा हो गया तो इसका परिणाम हम सभी जानते हैं क्या होगा। ये परिणाम ये बेहद भयंकर होंगे। भगवान ना करे कि न्यूक्लियर वेपन इसके अंदर इस्तेमाल किया जाए, थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन आ जाए, युद्ध छिड़ जाए, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि अगर ऐसा होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे देश पे क्या पड़ेगा, पूरी दुनिया पे क्या पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं रुचि राय और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल RR इंफरटेनमेंट। बेशक इस थर्ड वर्ल्ड वॉर में या फिर कहें न्यूक्लियर वेपन का जो अटैक होगा उसके अंदर भारत कोई हिस्सेदारी ना करे, कोई पार्टिसिपेट ना करे, इसके बावजूद जो नाटो और जो रशिया के बीच में अगर वेपन इस तरह के इस्तेमाल होते हैं इस युद्ध में, तो उसका असर हमारे देश पे क्या होगा, उसका परिणाम क्या हम सब लोग भुगतने के लिए तैयार हैं, और अगर है, अगर हम लोग रेडी हैं तो उसका परिणाम इतना विनाशकारी होगा कि आप और हमारी समझ से बहुत दूर है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में यही बताने वाले हैं। अकेले रशिया के पास 6,257 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और नेटो के पास 6,365। और यकीन मानिए, अगर इनमें से आधे वेपन्स का भी इस्तेमाल किया गया तो आप इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे। बेशक परमाणु बम्स आपसे हजारों किलोमीटर दूर किसी पश्चिमी देश में क्यों न दागे गए हों, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि परमाणु बॉम्ब्स की रेडिएशन का महज 40 से 50 किलोमीटर तक ही असर होता है। 1945 में दो बार परमाणु बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा चुका है, तब तो बाकी देशों पे इसका कोई खास असर नहीं हुआ। तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको याद होगा कि ईयर 1945 में बस दो परमाणु बॉम्ब्स ही छोड़े गए थे, और अब की बार अकेले रशिया के पास तकरीबन 6,000 हथियार हैं। अगर रशिया ने यूरोप पर एक भी परमाणु हमला किया तो इसके जवाब में अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, और रशिया की राजधानी मॉस्को समेत बाकी सभी शहरों पर अमेरिका न्यूक्लियर अटैक कर देगा, जिसके जवाब में रशिया भी वही करेगा। ज्यादा नहीं, अगर 100 न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी यूरोप में दागे जाते हैं तो उसके अनुसार पृथ्वी पर भयंकर तबाही होगी। 100 परमाणु बॉम्ब से बिलियंस टन रेडिएशन एक्टिव कचरा निकलेगा और जाके वातावरण में मिल जाएगा, और ऊपर आसमान में जाकर धुएं के बड़े गुब्बारे में तब्दील हो जाएगा। देखते ही देखते सूरज की किरणें ब्लॉक हो जाएंगी, और सूरज की रोशनी कई महीनों तक पृथ्वी की सतह पर पहुंच नहीं पाएंगी, जिससे पृथ्वी का तापमान कई डिग्री तक कम हो जाएगा और पूरी पृथ्वी पर आर्टिफिशियल आइस एज की शुरुआत हो जाएगी, और उस समय पृथ्वी का तापमान माइनस में चला जाएगा। और ये तो महज आने वाली कयामत की शुरुआत होगी। अगर 10 सालों के लिए भी आर्टिफिशियल आइस एज आई तो करोड़ों की संख्या में लोग मारे जाएंगे, फिर चाहे आप कहीं भी छुपे क्यों ना हो। शायद आप शुरुआती कुछ महीने पैकेट फूड खाकर कहीं दूर दराज पहाड़ी गुफा में छिपकर जिंदा बच जाएं, लेकिन जल्द ही सूरज की रोशनी ना होने से पेड़ पौधे मरने लगेंगे और फसल उगाना नामुमकिन हो जाएगा, जो हमारे इकोसिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, जिसके बाद शुरू होगा सालों तक चलने वाला अकालों का सिलसिला, जिससे आधी से ज्यादा जनसंख्या तो भूख के मारे मर जाएगी। इसके बीच अगर कुछ लोग बच गए तो वो कुछ भी पचा कुचा खा के जिंदा रह जाएंगे, मगर उन्हें बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी। आप सोच रहे होंगे कि हम हंटिंग करके भी जिंदा रह सकते हैं, तो आप भूल रहे हैं चाहे वो पौधे हों या फिर जानवर, सभी को सनलाइट की कितनी जरूरत रहती है। मान लीजिए कि आप चिकन खाते हो, लेकिन चिकन को भी तो जिंदा रहने के लिए छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाना पड़ेगा, और वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी जिंदा रहने के लिए पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, और पौधे भी जिंदा रहने के लिए अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, जिसके लिए उन्हें सनलाइट की जरूरत होती है। अगर सूरज की किरणें ही धरती पर आना बंद हो जाएंगी तो पूरा इकोसिस्टम ही ढह जाएगा।
इसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत होगी पानी की। अगर आप सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल आइस एज से तो बर्फ ही बर्फ होगी, तो पानी की क्या दिक्कत, तो हम आपको बता दें कि आप यहाँ भी गलत हैं। रेडियो एक्टिव कचरा अभी भी वातावरण में मौजूद है, जिससे क्लाइमेट और सी करंट बुरी तरह से प्रभावित होगा। और क्या पता बर्फ पड़े ही ना, हो सकता है कि जमाने वाली कड़कड़ाती ठंड से ही आपको मुकाबला करना पड़े। अगर बर्फ पड़ी भी तो वो हाईली रेडियो एक्टिव होगी, जिसे खाने के बाद आदमी कुछ ही महीनों का मेहमान रह जाएगा। पानी के बाकी सोर्सेज भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से भरे होंगे, जो पीने के पानी में जहर बनकर घुल चुके होंगे। साथ ही बादलों में छनकर कुछ सनलाइट नीचे भी आ रही होगी। चलिए एक और बात मान लेते हैं कि अगर बादलों से छनकर कुछ सनलाइट नीचे आ भी गई, तो भी आप उस धूप में ज्यादा देर तक रह नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपका शरीर पूरी तरह से झुलस जाएगा और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी आपको घेर लेगी, क्योंकि रेडियो एक्टिव कचरे से ओजोन लेयर बुरी तरह से प्रभावित हो चुका होगा। दोबारा परमाणु प्रलय के बाद इकोसिस्टम और मानव समाज को खड़ा होने में सदियों लग जाएंगे, और क्या पता कि ह्यूमन सिविलाइजेशन दोबारा इस स्तर पर कभी ना पहुंच पाए जहां पर आज हम खड़े हैं। पर यकीन मानिए, हालात कैसे भी हों, आप आर्टिफिशियल आइस एज में भी सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज पहले आर्टिफिशियल आइस एज का सामना कर चुके हैं। 75,000 ईयर पहले लेक टूबा सुमात्रा में एक सुपर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिसकी ताकत हजारों परमाणु बॉम्ब जितनी ही थी, जिसके बाद से बिलियन टन्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में मिल गया था और धरती का तापमान -डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और ह्यूमन पॉपुलेशन सिमट कर 3,000 से लेकर 10,000 के बीच रह गई थी। हमारे पूर्वजों ने भी इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम देखी है और उन्होंने सर्वाइव किया है, जिसका रिजल्ट है कि आज भी मानव सभ्यता जिंदा है, आज भी आपका और हमारा अस्तित्व है। हालांकि ये सलूशन नहीं है कि हम कैसे भी करके सर्वाइव कर जाएंगे, कैसे भी करके इंसान जिंदा रहेगा, ये प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, पूरी दुनिया को कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरह ये जो वॉर है ये ख़त्म हो जाए, किसी भी तरीके का युद्ध नहीं हो, और स्पेशली ये जो न्यूक्लियर अटैक वाली बात हो रही है, न्यूक्लियर वेपन वाली बात हो रही है, इसका किसी भी युद्ध में इस्तेमाल ना हो। फिलहाल हम यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इस तरह के जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ये जो प्रॉब्लम है ये इसका सलूशन हो जाए, ताकि पूरी दुनिया आप और हम चैन से जिंदा रहें, चैन से जिएं और ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई सुझाव हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में जाके, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल RR Info Tech।